हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है गोविंदर, आप देख रहे हैं टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपको जो है आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया जाता है। ज़्यादातर लगभग जो है 99% डिवाइस में आपको जो है कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर जो है आप सामने वाले को बिना बताए भी जो है कॉल रिकॉर्डिंग कर पाते थे। मगर दोस्तों, अब आपने देखा होगा आजकल जितने भी नए फ़ोन आ रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपको जो कॉल रिकॉर्डिंग आप जैसे ही करते हैं तो सामने वाले बंदे को पता लग जाता है कि आप जो है कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो वहाँ जो है आपको एक सिस्टम से आवाज़ आती है कि ये कॉल जो है रिकॉर्ड हो रही है। तो यानी कि जो आवाज़ आपको सुनाई देती है वो सामने वाले को सुनाई देती है, जिससे उनको पता लग जाता है कि आप जो है कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी भी आप जो है किसी कस्टमर केयर के नंबर पर अगर कॉल करते हैं तो वहाँ जो वो लोग बोलते हैं कि ये जो है ट्रेनिंग और जो है सिक्योरिटी पर्पज या फिर किसी और वजह से भी जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक, वो हमें बता देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक अलग चीज़। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ जो है कॉल रिकॉर्डिंग जो है इलीगल है। ठीक है, और जो है बहुत सी जगह दोस्तों, बहुत ऐसे देश है जहाँ जो है आप दोनों की सहमति, यानी कि जो है अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सामने वाला चाहे तो आपको जो है अलाउ कर सकता है या फिर आपको जो है मना भी कर सकता है। या फिर दोस्तों, कहीं तो ऐसा है कि आप जो है जो मर्जी वो करो, वो जो है आपके ऊपर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11 मई से, यानी कि जो है 11 मई 2022 से आपको जो है जो प्ले स्टोर में जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग की ऐप मिलती हैं आपको जो है वो हो सकता है कि वो आपको प्ले स्टोर में नहीं देखने को मिले। यहाँ पर गूगल जो है इस पर एक्शन लेने वाला है। तो आपको मैं बता दूँ, ये जो है जितनी भी एप्लीकेशन है ये सारी की सारी हट जाएंगे। आप देखेंगे आपके फ़ोन में अगर कॉल रिकॉर्डिंग होता है तो वो जो है गूगल डायलर होता है। ठीक है, या फिर दोस्तों कोई ट्रू कॉलर आपने देखा होगा, आपने ट्रू कॉलर देखा होगा, वहाँ पर भी दोस्तों आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो सामने वालों को पता लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन रहती है जो बैकग्राउंड में जो है आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देते थे, और जो फ़ोन भी थे ना पुराने उनमें भी जो है आपको ये ऑप्शन मिलता था। मगर दोस्तों, अभी ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग करने वाली जितनी भी एप्लीकेशन है वो जो है सारी की सारी हटने वाली है प्ले स्टोर से। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर इसका होने का एक कारण है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जब भी जो है कोई क्राइम होता है तो वहाँ पर जो है जो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है केवल उन लोगों को दिया जाएगा जो कि दोस्तों जैसे पुलिस वगैरह जितने भी यानी कि जो इन्वेस्टिगेट करते हैं उन लोगों को दिया जाएगा। बाकी जो है जैसे हम आप लोग हैं उनको तो ये फिक्र नहीं दिया जाएगा। केवल जो है आपकी सिक्योरिटी पर्पज के लिए जो है इसको अलाउ किया जाएगा। अगर फिर भी जो है आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप जो गूगल डायलर से कर सकते हैं, मगर दोस्तों वहाँ पर जो है दोनों को पता लगेगा, जिससे जो है दोनों ही लोगों को पता रहेगा कि आपने जो है कॉल रिकॉर्डिंग की है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कॉल रिकॉर्डिंग जो है क्यों यहाँ पर जो है बैन की जा रही है। ठीक है, तो हो सकता है इंडिया में ये पूरी तरीके से बैन भी हो जाए। हो सकता है दोस्तों आने वाले टाइम में जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स हैं, जितने फीचर है, ये जो है बैन हो जाए, ये जो कि जो है कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, नहीं आया डिसलाइक करना, मुझे बताना नीचे कमेंट में जो है आपको ये क्यों नहीं पसंद आया। तो सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।